व्यस्त शहर इंदौर में दिन पे दिन बढ़ रहा यातायात यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज एक दिन के लिए निगम कार्यालय जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया है। आज वो फूटी कोठी से सिटी बस से इंदौर नगर निगम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बस में यात्रियों और कंडक्टर से चर्चाएं भी की। व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए किसी न किसी को तो प्रयास करना ही पड़ता है। ये प्रयास एक से शुरू होता है लेकिन कारगर हो गया तो फायदा सभी को होता है। ऐसे में जनप्रतिनिधि इस प्रयास की अलख जगा दें तो फिर कहने ही क्या। शहर हित में कुछ ऐसा ही प्रयास शुरू किया है महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने। वैसे ये पहली बार नहीं है जब महापौर ने सिटी बस में सफर किया है। हफ्ते में एक दिन वो नगर निगम जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं और बाकायदा अपना टिकट भी कटवाते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो शहर में बिगड़ते यातायात को दुरुस्त करने में उनकी आहुति हो जाती है और दूसरी तरफ वो ग्राउंड पर लोगों से मिलकर इंदौर और वार्ड की जमीनी हकीकत से वाकिफ होते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। महापौर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर किया और बस में सफर कर रहे यात्रियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान बस में सवार एक यात्री ने महापौर से अपने वार्ड के पार्षद की शिकायत कर दी। इसके अलावा उन्होंने कंडक्टर से भी एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक पहुंचने में लगने वाले वक्त और क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में पड़ताल की। आप भी ये लीजिए, ये सड़की टिकट बनाइएगा, हमें टिकट दे रहा हूँ। राजवाड़ा 10 रुपए की फुटी फुटी से राजवाड़ा 10 रुपए चार्ज होता है। दीदी आपको कहाँ से जाते हैं? रोज जाते हैं, अभी आज जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ जाते हैं? दीदी कॉलेज जाते हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? चलो बेटी कहाँ जाओगे? थे वो सुनता ही नहीं है। वो सरदारी चुनाव लड़ी जीतने के बाद वार्ड में ही नहीं आई और हमने बोला कि हमारे वो क्या कह रहे सुन रहा मारो हमको मारो सच्चाई को दबाओ वोटो सच्चाई का लगा वोटो क्या काम है ये तो बताओ। दूसरी बार बोला आपको भी बोला यार वहाँ मैंने कार रोकी आपकी मैंने कार रोकी गुटी से राजवाड़ा आने में अपने को लगता है 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट में 24 किलोमीटर सबसे ज्यादा बेनिफिट ही उस पास से है। स्टूडेंट सीनियर सिटीजन हिंदी यानी सबसे ज्यादा जो ट्रेवल होता है सिटी बस में वो महापौर पास के माध्यम से ही होता है। अगर महापौर पास का स्कैनर है स्कैनर मोबाइल में रहता है और कार्ड मैनुअल दोनों को। शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कुछ दिन पहले महापौर ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी उपयोग किया था। उसके पीछे मंशा ये थी कि शहर प्रदूषण मुक्त हो और लगातार खत्म हो रहे पेट्रोल ईंधन की बचत की जा सके। उनका ये प्रयास वाकई में काबिले तारीफ है क्योंकि इंदौर में वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में कुछ लोगों के प्रयास को देखकर अन्य लोग भी सीखेंगे और शहर के प्रदूषण के आंकड़ों में गिरावट आएगी। यदि ये संभव नहीं भी हो पाता तो हफ्ते में केवल एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर कई मुश्किलों से बचा जा सकता है। रेड 9 टीवी भी सभी से अपील करता है कि हफ्ते में केवल एक दिन अपने वाहन को आराम देकर शहर हित में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और शहर के बढ़ते यातायात को कम कर शहर को खुली हवा में सांस लेने का मौका दें। मैं ICTSL का चेयरमैन भी हूं, तो हमारी सुविधाएं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हैं वो लोगों तक किस प्रकार से पहुंच रही हैं, जो सुविधाएं चाहे वो महापौर पास की हों या अन्य योजनाएं वो लोगों को मिल रही कि नहीं मिल रही हैं, बस में लोगों का व्यवहार की कोई शिकायत तो नहीं है। इस दृष्टि से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं सामान्यता आना जाना रहता है। स्टूडेंट लाइफ में भी और कॉलेज लाइफ में भी हम मिनी बस नगर सेवा में जाते थे, उसका भी अपना आनंद है, पर विशेषकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुरक्षित ट्रांसपोर्ट इंदौर का अपना एक अदल मॉडल देश भर में स्थापित हुआ है तो वो ठीक से संचालित हो रहा है नहीं, उसका रिव्यू उसका फीडबैक लेने के लिए मैं आया हूँ। आज MIC की मीटिंग है, आज कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? ये वाली MIC बहुत महत्वपूर्ण है।
चाहे शहर की कॉलोनियों जिसमें 29 गांव की कॉलोनियों का सड़क नेटवर्क का विषय हो, शहर में जो सीरपुर हमारा वेटलैंड है उसके इंटरप्रिटेशन सेंटर के निर्माण की बात हो, शहर की कुछ प्रमुख हस्तियों के नामकरण का विषय हो, हर दृष्टि से ये वाली MIC बहुत महत्वपूर्ण है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तरह लगने वाले STP प्लांट्स हों, तो ऐसे महत्वपूर्ण फैसले आज की MIC में होने वाले।